ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है कि जो सरकार बरसों से चल रही है उसको हमेशा चलना चाहिए। हमें भी इस देश में सरकार बनाने का पूरा हक है, जो हम हासिल करके रहेंगे, और इसके लिए हमें इलेक्शन जीतना होगा। और इलेक्शन जीतने के लिए हमें क्या करना होगा? वोट हासिल करने होंगे। और वोट हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें जनता का विश्वास हासिल करना होगा। और जनता का विश्वास हासिल करने के लिए हमें जनता का सरकार पे से विश्वास हटाना होगा। और जनता का विश्वास हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसा माहौल पैदा करना होगा कि लोग इस सरकार को निकम्मी, नाकारा और बेकार समझकर किसी और पार्टी को कुर्सी पर बिठाने पर मजबूर हो जाएं। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? चारों तरफ बेचैनी, खौफ का माहौल पैदा करना होगा। हर सूबे, हर शहर, हर गाँव में कत्लोआम, डकैती, फसाद कराने होंगे। मुस्लिम, शिया, सुन्नी फसाद, मतलब इतना कत्लो खून और गारत हो कि लोग घबरा जाए, सरकार की कुछ समझ में ना आए और पुलिस कुछ न कर पाए। और जब देश दहशत और जुल्म की आग में चल रहा होगा तो हम अपने घरों से निकल कर स्टेज पे खड़े होकर सरकार की बुराइयां शुरू कर देंगे। जनता को एहसास दिलवाएंगे कि अगर कोई उन्हें जुल्म और फसाद से बचा सकता है तो वो हम हैं, हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी की बनाई हुई सरकार है। एक्सेलेंट आइडिया। और इसी आइडिया को कामयाब बनाने के लिए, मतलब खून बहाने के लिए, हमें पैसा पाने की तरह बहाना होगा। और इसीलिए आज मैंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और शहर के बड़े बड़े रईसों को दावत दी है।